सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं कि क्विक एप्लीकेशन से वीडियो किस तरीके से एडिट किया जाता है और क्विक एप्लीकेशन में वीडियो किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि क्विक एप्लीकेशन में वीडियो किस तरीके से बनाया जाता है और क्विक एप्लीकेशन से वीडियो किस तरीके से एडिट किया जाता है, तो जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्विक एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को मैं स्टेप बाई स्टेप सिखाऊंगा कि क्विक एप्लीकेशन से वीडियो किस तरीके से एडिट किया जाता है, क्विक एप्लीकेशन में वीडियो किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्विक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी होगी, यानी कि डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है क्विक एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना होगा। ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ परमिशन आएंगे, वो आप लोग को परमिशन दे देनी होंगी। इसके बाद यहाँ पे प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को वीडियो को एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे आप लोग को जो है वीडियो और फोटो के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे वीडियोज़ भी मिलते हैं और फोटोज़ भी मिलती हैं, और एल्बम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो फोटोज़ होती हैं वो मिल जाती हैं आप लोग को, और गूगल फोटोज़ पे क्लिक करते हैं तो गूगल की जो फोटोज़ होती हैं वो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, एसडी कार्ड से जो आप लोग की फ़ोटोज़ होंगी वो यहाँ पे आप लोग फोटो और वीडियो ले सकते हैं। गैलरी में जाऊँगा मैं। अब यहाँ पे आप लोग को कोई भी यहाँ पे जो है वीडियोज़ बनानी है तो आप लोग किस तरीके से बनाएंगे वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक सुशांत सर जी का जो है फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ोटोज़ ले लेता हूँ तो मैं यहाँ से जो है एक फ़ोटो से ही बना सकता हूँ वीडियो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं जो है स्लाइड स्लो जो है वीडियो बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे लगभग मैं 4-5 वीडियो सॉरी फोटोज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद फोटोज को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो है राइट पे क्लिक करना होगा। राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इसका इंटरफेस इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपने चैनल का इंट्रो या अपना नाम डालना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का जो है नाम डाल देता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो है मिस्टर सोनू टेक्निकल। तो यहाँ पे फुल नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेम लिखने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये जो है इस तरीके से लोड होगा, और लोड होने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे इंट्रो आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में ये आप लोगों की वीडियो कुछ इस तरीके से रहेगी, और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैमी एक्शन बॉक्स्ड और ये इस तरीके के जो इफ़ेक्ट हैं यहाँ पे, मतलब ये टेम्पलेट्स हैं, तो इनमें आप लोग अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड शो वीडियो है इस तरीके की। ठीक है, और इसके बाद मैं इसका साउंड जो है थोड़ा सा डाउन करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एक इफ़ेक्ट है, यहाँ पे ये इफ़ेक्ट मतलब ये जो टेम्पलेट है ये मुझे काफ़ी पसंद आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये लोड होती है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चैनल का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फुटेज आ रही है यहाँ पे, और फुटेज आने के बाद ये देख सकते हैं एक अदर फुटेज यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये इस तरीके से फ़ोटेज देखने के लिए आप लोग को मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को एडिटिंग करने के लिए, वो आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा। तो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे आप लोग को पेंसिल वाला आइकन मिल जाता है, तो यहाँ पे जस्ट आप लोग को क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप लोग को जिस फ़ोटोज़ की लेयर के नीचे आप लोग को कुछ लिखना है वो आप लोग ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग फ़ोटोज़ के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RIP। ठीक है, RIP भी डाल के मैं यहाँ पे एक इमोजी दे देता हूँ इस तरीके की। इसके बाद मैं राइट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये जो है थोड़ा सा प्रोसेस होता है, और इसके नीचे ही एक फुटेज लग जाती है, देख सकते हैं इस तरीके की। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जो है सेकंड लेयर पे भी आप लोग इसी तरीके से जो है ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोग फुटेज मतलब सॉरी आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुशांत सर। ठीक है, सुशांत सर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ सर लिख देता हूँ, और राइट में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से तो बात हो गई, आप लोग जो है यहाँ पे नीचे साइड में फुटेज मतलब इस तरीके की लगा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है लेआउट का, तो लेआउट पे जैसे आप लोग इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ पे लेआउट देख सकते हैं ये जो है पूरी फिट हो चुकी है हमारी फुटेज। तो इस तरीके से आप लोग लेआउट को जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो है वीडियोज़ को अगर आप लोग रोटेट
रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को रोटेट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो इस ऑप्शन से आप लोग वीडियो को जो यहाँ पे 60, 180, 90 इस तरीके का जो आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है रोटेट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है पूरी फोटेज को और वीडियोज को आप लोग यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल जैसे पहले था वह उसी तरीके से यहाँ पे कर लेता हूँ। तो फिर से मैं इसको रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन इधर साइड में बगल में मिलता है फोकस का। अब दोस्तों यहाँ पे फोकस पे जैसे क्लिक करेंगे और इस फोकस को आप लोग जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, जिससे आप लोग फोकस कराना चाहते हैं वहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग छोड़ देंगे। और इसके बाद इसको राइट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये फोकस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो इधर साइड में ड्यूरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो ड्यूरेशन आप लोग प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग को लेयर को डिलीट करनी है तो यहाँ से आप लोग, जैसे मुझे ये वाली लेयर डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से इसको जो है इस तरीके से रिमूव वाले आइकन पे क्लिक करके मैं इस लेयर को यहाँ से जो फोटेज़ को डिलीट कर सकता हूँ। इसके बाद अगर आप लोग को इसके जो फोटेज़ के जो लास्ट में जो फोटेज़ आ रही हैं अगर इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो यहाँ पर डुप्लीकेट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगर बीच वाले किसी फोटेज़ को डुप्लीकेट बनाना है तो ये इस तरीके से आप लोग डुप्लीकेट बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी जो पूरी जो कंप्लीट यहाँ पे जो एडिटिंग हो चुकी है वीडियो में। इसके बाद अंडू, अगर आप लोग से कुछ गलत होता है तो यहाँ से आप लोग अंडू कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके की हमारी वीडियो रहेगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में शुरू से इसको जो प्ले करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इंट्रो आ रहा है और इस पर ये फुटेज आ रही है यहाँ पे और जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था। ये इस तरीके से आप लोग एक स्टेटस वीडियो भी बना सकते हैं यहाँ पे और आप लोग जैसे भी वीडियो बनानी है वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो इसे मैं फ़िलहाल क्या करूँगा यहाँ पे जो है बैक करूँगा यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे मैं इसके जो पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके, तो दोस्तों इससे क्या होता है यहाँ पे आप लोग के जो भी यहाँ पे आप लोग कुछ भी एडिट करेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा जाके। ठीक है, इसको आप लोग डिलीट कर सकते हैं पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके, आप लोग इसमें इफ़ेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाले जो इफ़ेक्ट है, ये टेम्पलेट, बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलती हैं, जिन टेम्पलेट को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेम्पलेट में और है यहाँ पे, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है डैशिंग। तो यहाँ पे डैशिंग पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की जो इफ़ेक्ट वाली वीडियो है वो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके की स्टेटस वीडियो आप लोग को यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके की आप लोग जो है लाइनिंग और डैशिंग वाले स्टेटस वीडियो बना सकते हैं आई मूवी वाले। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसमें आप लोग जो है साउंड डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑडियो पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एप्लीकेशन को साउंड जो है प्रोवाइड करवाती है, जो आप लोग यहाँ से साउंड को सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर अपनी फ़ोन की गैलरी से कोई साउंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर माई म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। माई म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग के जो साउंड है वो यहाँ पे प्ले हो जाएंगे। इसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से साउंड जो है चेंज होंगे, जो भी आप लोग को साउंड पसंद आते हैं वो साउंड यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये वाला साउंड सही लग रहा है तो मैं यहाँ पर इसको जो है ऐड कर लेता हूँ। और ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोग को जो है ये आइकन ये वाला मिलता है जहाँ से आप लोग इसकी ड्यूरेशन आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसकी ड्यूरेशन इतनी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को मिलता है पोर्ट्रेट, यहाँ पे पोर्ट्रेट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका जो आप लोग पोर्ट्रेट घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को ये वाला ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप लोग अपने इस वीडियोज़ को जो इंस्टाग्राम के साइज की और यूट्यूब के साइज की और यहाँ पर आप लोग जितने भी रेशियो में वीडियो बनाना चाहते हैं उस रेशियो में आप लोग यहाँ पर इस ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल यही वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट, तो यहाँ पे ये ऑप्शन से आप लोग जो है जहाँ से आप लोग साउंड को प्ले करना चाहते हैं वहाँ से आप लोग इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि मेरा साउंड प्ले हो तो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, और आप चाहते हैं नहीं यहाँ से नहीं होना चाहिए यहाँ से होना चाहिए तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करूँगा इसको जो बैक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फ़िल्टर वाला, तो फ़िल्टर में आप लोग को बहुत सारे जो यहाँ पर जो फ़िल्टर हैं डिफरेंट डिफरेंट फ़िल्टर हैं वो आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी आप लोग को फ़िल्टर पसंद आते हैं वो फिल्टर यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करके अपनी स्टेटस वीडियो या कोई भी वीडियो बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट जो हमारी स्टेटस वीडियो रेडी हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल इजीली।
इसके बाद इसको मैं राइट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को फॉन्ट वाला ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप लोग फॉन्ट इसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को पेल्टेडी ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप लोग इस तरीके के जो इफेक्ट वो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ब्लैक एंड और वाइट आप लोग यूज करना चाहते हैं, जो लाइनिंग वाले इफेक्ट वो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं वाइट ही यहाँ पे रखता हूँ और इसको जो है राइट पे क्लिक करूंगा। अगर आउटरो ऑन है यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो इसे आउटरो आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने फिलहाल ऑफ कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे ये जो है सारी एडिटिंग यहाँ पे हो चुकी है। लोगों ने क्विक एप्लीकेशन से सारी एडिटिंग सीख ली है कि यहाँ पे किस तरीके से वीडियो को एडिट किया जाता है और किस तरीके से स्टेटस वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोग इस वीडियो को आप लोग अपनी गैलरी में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। आपको इस वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट करने के लिए जस्ट आप लोग को जो एरो वाले बटन पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को शेयर लिंक, सेंड फाइल, ये और सेव विदाउट शेयरिंग ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सेंड फाइल पे क्लिक करूंगा और ये देख सकते हैं यहाँ पे 2% और 4% इस तरीके से रहेगा, और 100% में हमारी वीडियो जो है गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। और इसके बाद मैं इस वीडियो को किसी को भी शेयर कर सकता हूँ और कहीं पर भी इस वीडियो को मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आप लोग सीख गए होंगे कि क्विक एप्लीकेशन से वीडियो को किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से क्विक एप्लीकेशन से वीडियो को एडिट किया जाता है। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर से लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।